आज हम लोग का नौवीं का विषय विज्ञान का अध्याय पांच जीवन की मौलिक इकाई के अंतर्गत दो को एक क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें हमारा जंतु कोशिका व पौधा कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए क्वेश्चन है। पांच नंबर का क्वेश्चन है हमारा, चित्र बनाने दिया गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है हमारा। अब सबसे बड़ी बात करते हैं ये चित्र बनाना, तो चित्र बनाने का सबसे सरल तरीका क्या होता है, कई बार हम चित्र बनाने में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो कंफ्यूजन ना होने से अच्छा सबसे अच्छी बात क्या है कि हम चित्र बनाना सीखें। और चित्र बनाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है कि हमें बनाना है जंतु कोशिका और एक पादप कोशिका का चित्र बनाना है। तो हम शुरुआत करेंगे, थोड़ा कठिन नहीं चित्र है लेकिन उसका तरीका बहुत सरल है, हम देखते हैं। हम पहले शुरुआत करते हैं पादप कोशिका से कि पादप कोशिका आगे क्या होती है और इसका चित्र कैसे बनाना है। तो देखिए सबसे पहले कैसे बनाना है, हम शुरुआत करेंगे। तो यहाँ से हमने लिखा है, इसका उत्तर लिख रहे हैं, उत्तर हम चित्र बना रहे हैं। चित्र बनाने के लिए बिंदुओं पर आधार रहेगा, देखते हैं यहाँ पर कैसे करना है। देखो यहाँ तो सबसे पहले हमने लिखा एक दो तीन चार, ये चार बिंदु एक के नीचे हमने ये दिया। यदि इसकी बात करें तो हमने एक बॉक्स बना दिया है, तो इन दोनों बॉक्स का ये सेंटर है, सेंटर से थोड़े ऊपर आप एक बिंदु और ले लीजिए, इसी प्रकार सेंटर से थोड़ा नीचे एक बिंदु और ले लीजिए, कोई दिक्कत इसमें। अब हम आगे चलते हैं, अब हम आगे क्या करेंगे, इन सबको मिलाइए। मिलाने के लिए बिंदु से बिंदु ना मिलाकर थोड़ा सा गैप देते हुए चले, तो हमने यहाँ से थोड़ा सा छोड़ दिया बिंदु को और यहाँ से हम यहाँ नीचे तक आ गए। फिर हमने इस बिंदु को भी थोड़ा सा छोड़ दिया है, थोड़ा नीचे तक हम यहाँ तक आ रहे हैं। इसी प्रकार बिंदुओं को थोड़ा सा छोड़ छोड़ कर हम एक दूसरे से को मिलाते जाते हैं। ये हमने मिला दिया, इस बिंदु से हमने इसको मिला दिया, इस बिंदु से हमने इसको मिला दिया है, मतलब मिलाया नहीं है तो थोड़ा छोड़ दिया है। जब हमारा बिंदु देखा इसका काम हो चुका है, तो अभी इसको हम बाद में मिटा देंगे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, दूसरी बार में जो आपने लाइन ली थी इसी लाइन के इक्वल में एक एक लाइन और खींच दी थी। तो हमने यहाँ से एक लाइन और खींचा, थोड़ी दूर से खींचेंगे हम, एक लाइन ये हो गई है, सेकंड लाइन ये हो गई है हमारी, फिर एक लाइन ये हो गई हमारी, अगली लाइन जो है, फिर एक अगली लाइन हमारी ये चली। ध्यान रखें आप कि लाइनों के बीच की जो दूरी है जितनी आप बराबर रखेंगे उतना ही चित्र आपका अच्छा दिखेगा। देखिए यहाँ के बीच की दूरी, यहाँ के बीच की दूरी लगभग मेरी बराबर चलती है, आप यदि बराबरी रखते जाते हैं तो आपका चित्र और भी अच्छा दिखेगा। फिर यहीं से हम चलते हैं थोड़ा और नीचे, फिर यहाँ से हम चले नीचे और उसके बाद हम यहाँ से और बढ़ा के इसको और थोड़ा नीचे जाके इसको यहाँ से जोड़ देते हैं। अगली बार में आप क्या करेंगे, जो आपने यहाँ से लिया था इसको मिला के जाइए, तो यहाँ से जो हमने लिया था इसको हम हल्का सा मिटा देते हैं। यहाँ से हमने ऊपर से कोना मिटाया, ये कोना मिटा दिया, तो ये जितने भी कोने आपने बनाए हैं इनको थोड़े थोड़े क्लीन करते जाइए। अब क्लीन करने के बाद क्या करोगे, अगला काम इसको मिला है लेकिन सर्कल में थोड़ा सा गोल करते हुए, तो ये हमने गोल करते हुए मिलाया, इसको गोल करते हुए मिला दिया, इसको गोल करते हुए मिलाया। इसका मतलब ये है कि जब भी हम इस चित्र को देखें तो अंदर वाला हिस्सा हमें थोड़ा सा गोल दिखना चाहिए, तो ये हमने इसको मिलाकर यहाँ से बना दिया। बाहर की बात कर देंगे, मतलब हमें जब हम पादप कोशिका की बात कर रहे हैं तो पादप कोशिका में हमें एक चाहिए क्या, सबसे बाहर की जो होती है ये कहलाती है कोशिका भित्ति, तो इसका नाम होता है, यदि हम बाहर की बात करते हैं तो ये होती है कोशिका भित्ति। और अंदर वाली जो हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ये दो चीजें होंगी, एक वही कोशिका भित्ति, एक वही कोशिका झिल्ली। अब हमने जो ये बाहर के हिस्से छोड़े थे, अब हम क्या करते हैं, बाहर के हिस्सों को ये बिंदु जो छोड़े थे हम इन बिंदुओं को मिटा देंगे। ये आपने बिंदु मिटा दिए, अब बिंदु मिटाने के बाद अगला काम क्या करना है आपको, आप अगला काम और कीजिए कि यहाँ से थोड़ा सा इसको मिटाइए, तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, यहाँ से जितनी भी मैंने जोड़ा था यहाँ से मैं थोड़ा सा इनको मिटा रहा हूँ। क्यों मिटाएंगे अभी हम बता देते हैं, यहाँ से मैंने थोड़ा सा इसको मिटाया और यहाँ से थोड़ा सा मिटा दिया, तो एक यहाँ से मतलब इतनी लाइन खींची थी, छह लाइनें हैं, हमने छह लाइनों को एक दूसरी जगह से मिटाया और मिटाने के बाद हम क्या कर रहे हैं, इनको यहाँ से बंद, यहाँ से इसको बंद किया, यहाँ से इसको बंद किया, फिर आगे चलते हैं, यहाँ से इसको बंद करेंगे हम, थोड़ा सा हल्का शेप राउंड में रहेगा आपका, यहाँ से इसको बंद किया, फिर यहाँ से इसको बंद किया, यहाँ से इसको बंद किया है, फिर यहाँ से इसको और फिर यहाँ से भी, ऐसा करके हमने इसको लगभग सभी जगह से बंद कर दिया है। ये सामान बंद हो गया है। अब लगभग आप इस चीज को देखेंगे इस चित्र को, तो ये देख रहे हैं थोड़ा बहुत हमारा पादप कोशिका के चित्र जो हमारी बुक में बने हुए हैं उसके जैसा लगने लगा होगा। अब हम क्या करेंगे,
यहां से हमने इसको थोड़ा सा राउंड अप किया, चूंकि ये कोशिका है इसलिए इसका आकार भी थोड़ा सा चेंज होता रहता है, जरूरी नहीं है कि एक साल ही बिल्कुल उसमें रहेगा। ये इससे हमने यहां से चेंज कर लिया इसको। अब क्या करें अगला काम, जब आपका बाहर का हिस्सा बन जाए मतलब आपका चित्र लगभग पूरा होने की कंडीशन पे आ चुका है, अब आप क्या करें, चौक अपने जो पेंसिल है उससे थोड़ा थोड़ा यहाँ पर डॉट कर दें ताकि चित्र में थोड़ा सा हमारा जो कोशिका द्रव्य भरा हुआ है वो यहां से इसमें शो होने लगे। अब ये तो बन गया हमारा क्या, कोशिका बाहर का हिस्सा बन गया मतलब कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली बन गई है। अब हम यदि अंदर चले तो किसी भी कोशिका का सबसे मुख्य हिस्सा होता है उसका केंद्रक, यदि केंद्रक नहीं होगा तो वो कोशिका कोई काम की नहीं है। तो हम फिर केंद्रक बनाते हैं, केंद्रक बनाने के लिए आपने कुछ बॉल्स यहाँ से एक दूसरे के साथ ऐड कर दीजिए, फिर इनके ऊपर हल्का सा यहाँ से जैसे घास उगती है ना और सही आपने थोड़े थोड़े यहां से बना दिए इनको, प्लस उसके साथ हम यहाँ पर एक सर्कल बनाते हैं। लेकिन आप जो सर्कल बनाएंगे या गोला बनाएंगे ये थोड़ा सा टक्कर वाला बनाना है या मतलब इंच चिपकाना है, हो गया ना। इसके ऊपर से डबल बॉर्डर करें, ये डबल बॉर्डर हमने यहाँ से कर दिए, इसके जितनी हमने बॉर्डर किए उन दोनों को आपस में फिर जोड़ दीजिए। ये जो नहीं है इसको बोलते हैं हम केंद्रक, ये जो अंदर वाला हिस्सा है वो कहलाता है केंद्रक। आगे चलते हैं, केंद्रक बनाने के बाद अब हम देखते हैं यदि पादप कोशिका है तो पादप कोशिका का एक हिस्सा होता है जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है किसी भी कोशिका का ऊर्जा घर, याद रखना एक नंबर का क्वेश्चन है कि किसी कोशिका का ऊर्जा घर किसको कहेंगे, पावर हाउस, तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया बना लेते हैं यहां से हमने देखा छोटे छोटे हमने यहां से सेल्स बनाए हैं, इनको हमने पैक कर दिया इसके अंदर, ये दो चार हम बना लें। उसके बाद हम चलते हैं जो होती है रिक्ति का जिसको हम बोलते हैं, तो हम पहले इसको नाम को दे देते हैं, ये क्या है हमारा, तो ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद हम अगला देखते हैं, तो इसके बाद हम बनाते हैं कुछ रिक्तिकाएं बना देते हैं यहां से, ये रिक्ति का बना दिया हमने। इसके बाद हम चलते हैं कि रिक्ति का बनाने के बाद हम आगे बढ़ जाते हैं और आगे चीज बनाना है हमें, हम थोड़ा सा देखते हैं साइड में लाइसोसोम है ना, लाइसोसोम भी हम बना लेते हैं यहां से, कुछ और यहां से इसको रख क्या रखना है इसमें, कुछ इस टाइप की आकृतियां रहती हैं। सेंट्रोसोम डाइसोसोम सेंट्रोसोम भी होंगे इसमें, इस प्रकार से यदि हम देखें तो कुछ चीजें और हमारे इसमें ऐड हो जाती है, लाइसोसोम सेंट्रोप्लाज्मा, इन सभी चीजों को मिला के ये हमारे इस प्रकार से हमारा ये बन जाता है किसका, पादप कोशिका का डायग्राम बन जाता है। थोड़ा ये दिखने में कठिन लग रहा है लेकिन यदि आप इसको मैंने जिस प्रकार से बनाना सिखाया है आप उसी प्रकार से बनाएंगे तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। इसी के साथ यदि आप देखें दूसरा चित्र हमें देखना था, जो था जंतु कोशिका,
जंतु कोशिका का डायग्राम पादप कोशिका से सरल है। वो कैसे है देखिए, इसको बनाने का तरीका और सरल। ये हमारी जो ओल्ड बुक चलती थी उसमें बना हुआ है, इसमें यदि आप इसमें देखेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होंगे, कंफ्यूज होता है। देखिए इसमें बनाने के लिए क्या है, दो लाइनें खींचिए, बनेंगे दो लाइनें खींचे सभी से, लाइनों के बाद अपना हो गया है। हम बात करते हैं पादप कोशिका के बारे में, बात करते हैं जंतु कोशिका की। जंतु कोशिका का भी डायग्राम पादप कोशिका से थोड़ा सा और सरल हो जाता है। यहाँ बनाने के लिए हमने देखा, हमने दो यहाँ से लाइनें खींची हैं, लाइनें खींचने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर से इसको बंद किया सर्कल में, और प्लस इसी को यहाँ से सर्कल में बंद किया आपने। किसी भी हमने देखा है किसी भी कोशिका की यदि हम बात करते हैं तो उस कोशिका का मुख्य हिस्सा होता है केंद्र कोशिका। तो केंद्र इसमें भी बनेगा, तो हमने इसका केंद्र भी बना दिया। ये यहाँ से हमने कोई डॉट डॉट करके वाली लाइन बनाई है, यहाँ से ये हो गया हमारा। इसके बीच में हमने देखा था कि एक छोटी छोटी हमने बॉल्स बनाई थी जिसको हमें केंद्र के लिए बनाया था। तो इसका मतलब केंद्र हमारा ये है, ये हमारा केंद्र हो गया। हमने देख लिया दोनों में केंद्र की, केंद्र इसमें भी है, केंद्र इसमें भी है। बाहर चलते हैं हम तो कुछ हमारी यहाँ पर रेखिका भी हमने देखी है। तो रेखिका का हिस्सा देखते हैं, रेखिका के बारे में देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया दे दिया यहाँ से। माइटोकॉन्ड्रिया पादप कोशिका में भी शामिल होगी और जंतु कोशिका में भी शामिल होगी। इसी प्रकार रेखिका देखेंगे हम, इसमें रेखिका और उसमें रेखिका का अंतर ये है कि इसमें रेखिका का आकार बड़ा होता है, इसमें रेखिका का आकार जो हो जाता है छोटा। अंतर भी हम याद करते जा रहे हैं ना, रेखिका जो होगी इसमें थोड़ी छोटी बना देते हैं हम। फिर हम देखते हैं कुछ और सेंट्रोसोम राइबोसोम जोन बनाने के लिए, हम बना देते हैं इसमें। फिर इसके बाद और थोड़े से दोनों को डबल करना है हमें, कुछ आपने जो बनाए हैं इसको आप डबल कर दीजिए। फिर ये हो गए आपके सेंट्रोसोम। इसके बीच में जो भरा हुआ है यदि हम इसमें बात करें तो दोनों में यहाँ पर भी कुछ फिलाफ है और यहाँ पर भी कुछ फिलाफ है, तो जो कहलाता है हमारा कोशिका द्रव। इस प्रकार से यदि हम देखें इसमें पूरे में तो ये पूरा हम देखते हैं, ये हो गया हमारा पादप जंतु कोशिका, पादप कोशिका हो गई है, ये हो गई जंतु कोशिका। जंतु कोशिका जैसे आप जानते हैं किसी जंतुओं में पाई जाने वाली कोशिका का भाग है, और पादप कोशिका का मतलब होता है कि पेड़ों की पत्तियां जो अगर चीजें होती हैं ये उसका भाग हो जाता है। ठीक है, तो ये चित्र आप देख लें थोड़ा सा अच्छे से, इसमें ये क्या क्या चीजें हैं। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति की यदि बात करेंगे तो कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में पाई जा नहीं पाई जाएगी, पादप कोशिका में पाई जाएगी। इसमें पाई जाएगी कोशिका झिल्ली। झिल्ली का मतलब होता है एक पतली सी दीवार होती है जिसमें जैसे आप देखेंगे प्याज के ऊपर छिलका लगा होता है, अंडा छीनते हैं अंडे के ऊपर अपन देखते हैं अंडा के मोटा वाला हिस्सा हटाने के बाद उसके अंदर एक पत्ता सा एक पनी जैसा छिलका निकलता है। मोटा हिस्सा मतलब वो प्रोटेक्ट करने का काम करता है, सुरक्षित रखने का काम करता है अंदर के हिस्से को, और जो बाहर का हिस्सा है जो कोशिका हमारे बॉडी के अंदर है तो उसे हमारी स्किन प्रोटेक्ट करेगी, इसलिए उसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो इस प्रकार से हमारा चल रहे हैं, इसमें कुछ और नाम दिए हुए हैं, हम कल से अगली वीडियो में देखेंगे कि उसके क्या क्या नाम है, उनके क्या क्या कार्य है, उस हिसाब से हम उसको देखते रहेंगे। थैंक यू।